हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम घर में बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल बाजार जैसी रंग बिरंगी टूटी फ्रूटी, जिसे आप आइसक्रीम, केक, कुकीज, शेक्स किसी में भी यूज कर सकते हैं। तो रेसिपी को बिना स्किप किए पूरा देखिए, अगर एक भी स्टेप मिस होगा तो आपकी टूटी फ्रूटी स्टिकी भी बन सकती है। और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज हम टूटी फ्रूटी बनाएंगे तारबूज के छिलके से। तो सबसे पहले तारबूज के छिलके का हरा वाला भाग हमें हटा लेना है, और अगर थोड़ा बहुत लाल वाला भाग भी लगा हो तो उसे भी आप हटा लीजिए। बस इस तरह से जैसे मैं छील रही हूँ, आप चाहें तो पिलर का भी यूज कर सकते हैं इसे छीलने के लिए। तो सारे तारबूज के छिलके को हम इसी तरह से छील लेंगे, और आप चाहें तो टूटी फ्रूटी लौकी या फिर पपीते से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे तारबूज के छिलके छीलकर तैयार कर लिए हैं। तो इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक हमें काटना है, जैसे टूटी फ्रूटी होती है बस उसी तरह से हम इसे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और तारबूज के छिलके से बहुत ही बढ़िया टूटी फ्रूटी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए, मैंने सारे छिलके को काट लिया है। अब एक बड़े से बर्तन में मैंने लगभग 1 लीटर पानी लिया है, तो सारे कटे हुए छिलके हम इसमें डाल देंगे और इसे ढक देंगे ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, तो ये ढक दिया मैंने। तो ये देखिए, पानी में बहुत ही अच्छा सा उबाल आ गया है। तो उबाल आने के बाद लगभग 10 मिनट तक हमें इसे उबाल लेना है, जब तक कि ये थोड़े ट्रांसलूसेंट से ना हो जाएं। तो आप ये देखिए, बिल्कुल उबल चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए इन्हें एक छन्नी पे हम निकाल देंगे। ये मैंने छन्नी ली है और नीचे एक बर्तन लगा दिया है बड़ा सा, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो बर्तन में गिर जाए। और आपको टूटी फ्रूटी को बिल्कुल भी नहीं दबाना है, मतलब तारबूज के छिलके को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। अपने आप जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे निकल जाएगा कटोरे में। तो अब हम टूटी फ्रूटी के लिए बनाएंगे चाशनी। तो मैं यहाँ पे 2 किलो तारबूज के छिलके की टूटी फ्रूटी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी चीनी ली है जो 200 ग्राम के बराबर है। और हम इसमें ऐड करेंगे 2 कटोरी पानी। चीनी को पानी में बिल्कुल अच्छी तरह से पहले घोलने देंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑन रखा है, बीच बीच में आप चलाते रहें ताकि चीनी नीचे तले में ना लगे। तो ये देखिए, चीनी पानी बिल्कुल मिक्स हो चुका है और इसमें एक उबाल भी आ गया है। तो जो टूटी फ्रूटी हमने साइड में रखी थी पानी निकलने के लिए, उसे इसमें ऐड कर देंगे। इतनी देर में इसका पानी आराम से निकल गया है। तो ये मैंने डाल दिया है चाशनी में टूटी फ्रूटी। तो इसे हमें 10 से 12 मिनट तक पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और बहुत ही बढ़िया टूटी फ्रूटी बनकर तैयार होती है, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे आप बाजार से खरीद कर लाते हैं बिल्कुल वैसे ही टूटी फ्रूटी बनेगी, और वो भी बहुत कम खर्च में। तो ये देखिए, चाशनी में भी बहुत ही अच्छा से उबाल आ गया है। तो बस इसी तरह उबलते हुए हम इसे 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। बीच बीच में आप थोड़ी थोड़ी देर पर इसे हिलाते भी रहें। और इतनी अच्छी टूटी फ्रूटी बनकर तैयार होगी फ्रेंड्स, कि अगर आपने एक बार तारबूज के छिलके से टूटी फ्रूटी बनाई तो आप बार बार बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही बढ़िया टूटी फ्रूटी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए, लगभग हमारी चाशनी अब आधी हो गई है, आप देख सकते हैं। बहुत गाढ़ी चाशनी हमें नहीं करनी है। आप यहाँ पे टेस्ट करके देख लें टूटी फ्रूटी को, अगर आपको बिल्कुल मिठास अंदर तक लगे तो मतलब समझिए आपकी टूटी फ्रूटी तैयार है। तो मेरी तो टूटी फ्रूटी तैयार हो गई है, मैंने टेस्ट करके देख लिया है, एक बिल्कुल ये अंदर तक मीठी हो गई है। तो गैस का फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे, और आप देख सकते हैं इतनी चाशनी हमें इसमें रखना है, क्योंकि हम इसमें कलर ऐड करेंगे तो वो चाशनी में ही ऐड करेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। इसे हम 4 से 5 भागों में, जितने कलर की टूटी फ्रूटी आपको बनानी है आप बांट लें। तो ये मैंने 5 भागों में इसे बांट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कलर, और आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी चाशनी भी मैंने सभी में डाली है। तो ये है येलो कलर, आपके जो भी मनपसंद कलर हैं, आप जिस कलर की टूटी फ्रूटी बनाना चाहते हैं आप वो कलर इसमें डाल लें। बस ध्यान रखें कि अगर आपको थोड़े लाइट कलर की टूटी फ्रूटी चाहिए तो थोड़े कम रंग डालें, और डार्क कलर चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा रंग डालें। तो इस तरह से मैं यहाँ पे येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन और ब्लू 5 कलर की टूटी फ्रूटी बना रही हूँ। और ये ऑरेंज कलर, तो सभी को मैंने डाल दिया है, और चम्मच की मदद से सभी को हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, इस तरह से। और इतनी मस्त टूटी फ्रूटी बनी थी फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया। आप लास्ट में देखेंगे, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, बहुत ही अच्छी टूटी फ्रूटी बनकर तैयार हुई थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। वैसे भी हम तारबूज के छिलके फेंक ही देते हैं, तो क्यों ना इसकी टूटी फ्रूटी ही बना लें। मार्केट से लाने का झंझट भी ख़त्म।
तो ये देखिए ब्लू कलर, तो इस तरह से मैं सभी को मिक्स कर लूँगी। ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू सब तैयार हैं, तो इन्हें हम ढक कर छोड़ देंगे लगभग दो घंटे के लिए। लगभग दो घंटे के लिए, आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं। तब तक कलर्स आराम से बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे टूटी फ्रूटी में। तो ये देखिए दो घंटे हो चुके हैं, मैंने दो घंटे छोड़ा था और हमारी टूटी फ्रूटी अंदर तक कलरफुल हो चुकी है। तो मैंने एक ट्रे लिया है, उसके ऊपर मैंने एक कागज़ रख लिया है। आप कुछ भी या तो फिर एल्युमिनियम फॉयल भी बिछा सकते हैं ताकि कलर नीचे ना लगे। तो अब इसे हम छान कर इस पर बिछाएंगे एक एक करके, क्योंकि इसे हमें सुखाना है, क्योंकि टूटी फ्रूटी गीली गीली नहीं रहती है, वो बिल्कुल सूखी सूखी सी रहती है। तो बस इस तरह से एक छन्नी पे आप छान लें, बिल्कुल भी प्रेस ना करें, नहीं तो टूटी फ्रूटी का आकार खराब हो जाएगा। और चाशनी को नीचे गिरने दें, उसके बाद जो हमारी टूटी फ्रूटी है उसे हम इस पे डालते जाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारी टूटी फ्रूटी को छान कर ट्रे में फैला लेंगे। तो ये देखिए मैंने फैला लिया है, अब हमें इसे सुखाना है। तो आप चाहें तो पंखे की हवा में सुखाएं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है इसे धूप में सुखाना, क्योंकि ये धूप में सुखाने के बाद बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और इसे मैं लगभग चार घंटे धूप में रखूँगी, क्योंकि अभी धूप बहुत हार्ड आ रही है। अगर धूप कम आ रही है तो आप इसे पूरा दिन भी रख सकते हैं धूप में। तो चार घंटे की कड़ी धूप में सूखने के बाद हमारी टूटी फ्रूटी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनी है, बहुत ही बढ़िया बनी है। आप इसे 3 से 4 महीने फ्रिज में किसी एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और फॉलो कीजिए। तो आप देख सकते हैं टूटी फ्रूटी कितनी अच्छी बनी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।